और बिपरजॉय तूफान पर सबसे बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि समुद्री तूफान बिपरजॉय को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, अब तक रात में राजस्थान में प्रवेश कर सकता है तूफान। डिप्रेशन में तब्दील होकर राजस्थान में प्रवेश के आसार हैं और कल से अगले तीन दिन जयपुर में भी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जताई गई हैं। सबसे बड़ी अपडेट समुद्री तूफान बिपरजॉय पर न्यूज 18 राजस्थान पर, जो आप जानना चाहते हैं वो सब कुछ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। बिपरजॉय को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आज रात को राजस्थान में यह प्रवेश कर सकता है और इसके चलते अगले तीन दिनों तक राजधानी जयपुर में भी बारिश का दौर देखा जा सकता है। कई इलाकों में लगातार बारिश की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। डिप्रेशन में तब्दील होकर राजस्थान में इसके प्रवेश के आसार हैं। कल से अगले तीन दिन जयपुर में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर अब बाड़मेर में भी देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी अपडेट पश्चिमी राजस्थान के इलाके से यह है कि बाड़मेर में लगातार मौसम खराब है, बारिश का असर है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बाड़मेर को 16 और 17 जून को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इसके तहत अब तक बाड़मेर चक्रवाती तूफान नहीं पहुंचा है, लेकिन बाड़मेर में भारी बारिश शुरू हो चुकी है और शहर की सड़कें पानी से पूरी तरह से लबालब हैं। तो बिपरजॉय पर सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं कि किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं। और अरब सागर से उठे इस खतरनाक चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय के गुजरात जखौ पोर्ट पर लैंड के बाद से इसका गुजरात के बाद ज्यादा असर बाड़मेर जिले में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के आम लोगों के जीवन पर भी खासा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। लोगों का यह कहना है कि बाड़मेर जिले में 1998 में और 2006 में बाढ़ की तबाही देखी गई और ऐसे में नौका से जागरूक भी है। वहीं बिना किसी कारण के घरों से बाहर भी लोग नहीं निकल रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है, सेना की ओर से जो मोर्चा संभाला गया है, उसके बाद से लोग काफी सतर्क है, सावचेत है और डर का माहौल भी लोगों में है। सागर से उठने वाले चक्रवाती बिपरजॉय तूफान का अब असर बाड़मेर में साफ तौर से देखा जा सकता है। आज अभी मैं खड़ा हूं बाड़मेर कलेक्ट्रेट के अंदर, जहां पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है इस पानी के अंदर परेशान हो रहे हैं और लोग काफी यहां पर परेशानी उठा रहे हैं और वाहन है उनके वाहनों के पहिए जो है वो पूरी तरीके से डूबे हैं। यहां पर सिविल डिफेंस के कुछ लोग हैं जो लोगों की, कहां से आए हो? बाड़मेर से। कितना पानी, कितनी बारिश है? बहुत लग रहा है, बहुत पानी है, बहुत बारिश है, डर लग रहा है। डर लग रहा है? देखिए लोगों को ज्यादा डर लग रहा है। आप इस गाड़ी का देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये गाड़ी जो है यह पूरी तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके से ये गाड़ी पूरी तरीके से डूबी हुई है पानी के अंदर और यह कहीं बाहर की गाड़ी है जिनको ये जानकारी नहीं है, इसीलिए ये इतने गहरे पानी के अंदर इन्होंने घुसा दिया और ये गाड़ी जो है यह रुक भी गई है। तो बाड़मेर के अंदर हालात जो है अब कुछ खराब होने वाली स्थिति में है, लेकिन अभी तक बारिश जो है वो रुक रुक के आ रही है। ऐसे में अगर ये लगातार बारिश आती है और जिस तरीके का प्रशासन का अलर्ट है, मौसम विभाग का अलर्ट है कि 200 mm तक बारिश हो सकती है, तो बड़ा नुकसान और बड़ी समस्या प्रशासन के लिए आ सकती है। लेकिन प्रशासन ने जहां जल भराव वाला क्षेत्र है वहां से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है और चौहटन और सेड़वा और बाकासर साइड में कई परिवारों को दूसरी जगह पर ऊंचाई वाले स्थानों पर शिफ्ट करवा दिया गया है। प्रेमदन नेता न्यूज 18 बाड़मेर। तो अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें हैं इस तूफान को लेकर के और एहतियात जरूर बरते जा रहे हैं। तमाम लोग भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर नहीं निकलें, लेकिन बाड़मेर की जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, बाड़मेर में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर चला और इसके बाद कई इलाकों में जल भरा हुआ है। तो वहीं बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बिपरजॉय से जुड़ी हुई। बिपरजॉय तूफान का असर बीकानेर में भी देखने को मिल रहा है। शहर में बारिश का दौर शुरू हो गया है, बीकानेर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 16 और 17 को बारिश की
संभावना यहां पर जताई थी। प्रशासन तूफान को लेकर के अलर्ट मोड पर है पूरी तरह से, लेकिन बीकानेर में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि लोगों को जो भीषण गर्मी थी उससे राहत मिली है, लेकिन ये आशंकाएं भी है कि आखिरकार बिपरजोय से कितना नुकसान हो सकता है, क्या तबाही या राजस्थान में मचा सकता है। हालांकि जो आपदा राहत विभाग है उसकी तरफ से भी और सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है, तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं। मौसम विभाग ने 16 और 17 को बारिश की संभावनाएं जताई थी, व्यक्त की थी। और इसी बीच बीकानेर से खबर यह है कि बारिश का दौर यहां पर बीकानेर में शुरू हो गया है। ये जो तूफान है वो राजस्थान में आज से लगाकर के अगले दो दिनों तक तबाही मचा सकता है। तेज हवाएं चल सकती है, भारी बारिश हो सकती है, कई इलाकों में आंधी आ सकती है और तूफान की स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेमदान देता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाड़मेर से। सीधे प्रेमदान का रुख कर लेते हैं। प्रेमदान, जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि बिपरजॉय का असर बाड़मेर में किस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि जहां बाड़मेर जो है, बाड़मेर का कलेक्ट्रेट परिसर है, आप इस जगह देख सकते हैं पानी के जो नजारे। यहां पर सड़कों के ऊपर 2 से 3 फीट तक का पानी लगातार बहना शुरू हो गया और पिछले 2 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के अंदर किस तरीके से पानी का भराव है और उसके साथ ही पूरे बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर जिले के अंदर कई जगह ऐसे गांव है जहां पर पानी का भरा हुआ है और वहां पर इस तरीके का खतरा है। भराव क्षेत्र में वहां से लोगों को बाहर निकाला गया है। अगर मैं बात करूं बाड़मेर के चौहटन से, तो चौहटन के गुमाना का तला से वहां से करीब 50 परिवारों को बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही साथ जो बाखासर है उसके पास में 2 गांव है वहां से बाहर निकाला गया है। और आप मानिए कि करीब 3 से 4 घंटों से लगातार बाड़मेर जिले के अंदर बारिश का दौर जो है वो रुक रुक चल रहा है। लेकिन प्रेमदान ये कहा जा रहा था कि तेज हवाएं चल सकती है यहाँ पर बारिश के साथ साथ, क्या हवाओं की स्थिति इस वक्त क्या है? और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि अभी बारिश तो नहीं हो रही है वहां पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बारिश रुक रुक के आ रहे हैं, लेकिन तेज हवाएं नहीं चल रही यहाँ पर, सिर्फ जोरदार बारिश आ रही है यहाँ पर और इसकी वजह से यहाँ पर पानी का जो है भराव हो रहा है। और ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद भी है, वो सीमावर्ती इलाकों में जाकर के बाखासर और उसके आसपास के गांवों के अंदर जहां पानी का भराव हो सकता है, सबसे पहले जो प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र है वो बाखासर और वहां के है। तो ऐसे में वहां पर प्रशासन पहुंचा हुआ है, वहां से लोगों को मूव किया जा रहा है। जिस जगह भराव वाला क्षेत्र है, जहां पर पानी भरने की आशंका है, वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार बारिश जो है 10-15 मिनट बाद में लगातार बारिश का दौर शुरू होता है और कुछ समय बारिश शुरू होने के बाद में और एक बार बारिश रुकती है और पानी का जो है लगातार बहाव क्षेत्र है। और प्रशासन की ओर से, मौसम विभाग की ओर से यहां पर इस तरीके की चेतावनी दी गई है कि आज और कल लगातार बारिश हो सकती है। और आज रात में, क्योंकि अभी तक ये तूफान जो है चक्रवर्ती बिपरजॉय, वो बाड़मेर अभी तक पहुंचा नहीं है। इससे पहले जो बारिश का दौर, भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है, इस ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये तूफान पहुंचेगा तो बाड़मेर में बड़ा नुकसान करने की आशंका है। क्या मौसम विभाग से भी कोई अलर्ट मिला है, कोई जानकारी बाड़मेर को लेकर के मिली है कि ये तूफान जब बाड़मेर की तरफ प्रवेश करेगा, राजस्थान में अगर प्रवेश करेगा तो इसका रुख किस तरफ होगा और कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तूफान है गुजरात से बाड़मेर के रास्ते, बाखासर के रास्ते बाड़मेर में प्रवेश करेगा। मौसम विभाग ने 2 दिन का बाड़मेर में रेड अलर्ट जो जारी कर रखा है। यहाँ पर भारी रेन फ्लो हो चुकता है, इसके लिए 400 mm तक जो सूचना निकल के आई है, 400 mm तक बारिश या हो सकती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि रेड अलर्ट के चलते यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला जो है वो सक्रिय है। यहाँ पर जो सेना के जवान है उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है, BSF के जवानों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। इसके साथ ही एयरफोर्स और SDR की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है और इसके साथ में यहाँ पर जो स्थानीय जो SDR की टीमें वो भी यहाँ पर तैनात है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ रेड अलर्ट है और गुजरात के बाद में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला इलाका है वो बाड़मेर है। तो बाड़मेर में 16 और 17 को रेड अलर्ट है। लेकिन प्रेमदान, देखिए, आपने देखा था 1998 में ऐसा ही एक तूफान गुजरात में भयंकर तबाही मचाते हुए टकराया था और जून का ही महीना था, उसका असर भी बाड़मेर में देखने को मिला था। उसके बाद 2006 में जिस तरीके से भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थितियां बाड़मेर में बनी थी, वो सब आपने देखी है। उस लिहाज से कौन कौन से इलाके बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जिन पर ज्यादा फोकस प्रशासन का है?
देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम 98 की बात करें जब गुजरात में तो तबाही मचाई थी उस तूफान ने, बाकासर, धोरीमना, गुड़ामालन यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान किया था और उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने विजिट की थी और लोगों के बड़ी नुकसान हुआ था, कई वन्य जीव है वो मर गए थे उसके अंदर। तो ऐसे में कह सकते हैं उस समय का जो नुकसान था उसका लोगों को अनुभव है और लोग स्वतः ही इस चीजों को अनुभव करते हुए लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, अपने पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर रख रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरीके से इस बार अलर्ट है, उन्होंने पूरे गांव के लोगों तक मुनादी करवाई गई है। तो ये कह सकते हैं कि अब, हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हल्की बारिश यहां एक बार फिर शुरू हो चुकी है, तो लगातार बारिश का जो दौर है वो बाड़मेर के अंदर शुरू है और बाड़मेर के बाकासर और चोटिल इलाकों में लगातार पिछले 4 से 5 घंटों का हमारे पास जो इनपुट है, हमारे जो अधिकारियों से वहां से बातचीत हो रही है, वहां बारिश का दौर लगातार जारी है। तो ऐसे में प्रशासन अपने आप में बहुत सतर्क और एक्टिव मोड पे है जी। बिल्कुल प्रेमदार, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम सामने की तरफ की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह की स्थितियां, और आप जैसे बता रहे हैं कि अभी बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है, जिला प्रशासन की तैयारियां क्या है, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की कितनी टीमें यहां पर जिला हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं, क्या अगर तेज बारिश होती है उस लिहाज से लोगों तक खाने के पैकेट या फिर कुछ बाकी सामग्री, राहत सामग्री पहुंचाने के भी इंतजाम किए हुए हैं प्रशासन ने? देखिए मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, कैमरामैन को कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएंगे आपको, सबसे पहले बाड़मेर के ये कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने जहां जहां रेस्क्यू सेंटर बनाए हैं वहां पर खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था की है ताकि लोगों को किसी तरीके की समस्या नहीं हो। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला इलाका है उसमें चौहटन और बाकासर एरिया है, वो सबसे ज्यादा पहले प्रभावित होंगे क्योंकि उसी रूट से ये जो तूफान है वो बाड़मेर में एंटर करेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बाड़मेर के अंदर प्रशासन ने अपने टीमें जो है बाड़मेर में एसडीआरएफ की टीमें यहां पर 2 पहुंची हुई है, बाहर से जो अधिकारी है जोधपुर से उनसे अधिकारी राज्य सरकार ने यहां पर तैनात किए, सीनियर आरएएस यहां पर तैनात किए। तो एक एक जो पॉइंट है जिसमें मैं कह सकता हूं कवास है, मलवा है, चोटन का घुमाने का तला है, चोटन की भांकलसर बस्ती है और बाकासर के आसपास के गिरा गांव है, ऐसे कई गांव है जहां पर खाली करवाए गए हैं कई जगह 50, क्योंकि जो भराव वाले क्षेत्र में जो घर है वहां से लोगों को बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार तैनात भी है और समझाइश भी की, क्योंकि ग्रामीणों को समझाइश कर घर से बाहर निकलना अपने आप में बहुत दुविधा भरा होता है, ग्रामीण मानते नहीं है, लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में लगे हुए हैं और लोगों को समझाइश कर स्थानीय जो सरपंच है वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आपने कवास का जिक्र किया, अभी आपने बाकासर का जिक्र किया है प्रेमदान, आपने तो देखा है कि किस तरीके से जब 2006 में यहां पर बाढ़ की स्थितियां बनी थी भारी बारिश के बाद में, क्या वही स्थिति वापस से आने की जो प्रबल संभावनाएं कही जा रही है, ऐसे में उन इलाकों के अभी क्या हाल है, कवास की क्या स्थिति है अभी और बाकासर की स्थिति अभी क्या है? देखिए बाड़मेर में बारिश का दौर शुरू हुआ है, हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा था वो ये है कि 400 mm तक बाड़मेर में बारिश हो सकती है। तो हालांकि जिस समय कवास और मलवा में जो पानी आया था वो उसमें 6 दिन लगातार बारिश हुई थी 2006 में, तब जाकर के पानी, क्योंकि एनिकेट टूटे थे, उस एनिकेटों के माध्यम से जैसलमेर की साइड से वो पानी सारा कवास, क्योंकि ये इस बार का जो तूफान है वो बाकासर की साइड से आ रहा है। तो हालांकि अभी तक कवास और मलवे में इतना खतरा नहीं है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पे उन लोगों को बाहर निकलने की और भरा वाले क्षेत्र से बाहर अपने सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी है। साथ ही वहां पर सीनियर आरएएस अधिकारी को तैनात किया गया है ताकि कुछ भी परिस्थिति हो, पानी का अगर आवक शुरू हो जाती है तो लोगों को तत्काल प्रभाव से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि परिवहन विभाग ने बसें भी लगा रखी है जगह जगह ताकि किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। जी बिल्कुल प्रेमदान, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखिए। कवास वो इलाका जहां पर 2006 में जब भारी बारिश हुई थी 6 दिनों तक, उसके बाद इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा पानी जो है वो ज्यादा दिनों तक ठहरा हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। अभी ये बाड़मेर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो बिपरजोय तूफान का असर अब राजस्थान में दिखने लगा है, यह सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं उदयपुर से, जहां पर उदयपुर में आज बारिश और तेज हवाओं का दौर अभी जारी रहा है और इसी के चलते दोपहर में तेज हवाएं चली हैं। एमबी अस्पताल के कार्डियोलॉजी की दूसरी मंजिल में लगे कांच से बना एलिवेशन सड़क पर आकर के नीचे गिर गया तेज हवाओं की वजह से, उसकी तस्वीर भी देखिए। और इस दौरान हादसे में रोड पर खड़े वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें 2 कारें, 2 पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हादसे के दौरान अफरा तफरी जगह पर मच गई, वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जनहानि की खबर नहीं है, यह अच्छी बात है, अन्यथा यहां पर बड़ा
हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल एक बारगी जब ये पूरा हादसा हुआ लोगों को डरा दिया, क्योंकि तेज आवाज के साथ ये पूरा का पूरा आके ढांचा गिरा, जिससे काफी वाहनों को नुकसान पहुंचा है। और इसी बीच अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कच्छ के अंजार की तस्वीरें, जहां पर लोहे के टीन बिजली के तार में फंसी तेज हवाओं से टीन उड़ता हुआ दिखाई दिया है, मानो तार पर कपड़े सूखने के लिए रखे गए हों। ये देखिए टीन, देखिए किस तरीके से ये जो तस्वीरें आई है वो बता रही हैं कि कच्छ के इलाके में किस तेज रफ्तार से हवाएं चली है। हालांकि बाड़मेर और राजस्थान के इलाके में उतनी हवाएं अभी तेज के साथ नहीं चली है, लेकिन ये देखिए ये कोई कपड़ा नहीं है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप झूलते हुए इसे देख रहे हैं, ये टीन था और लोहे का टीन, ये ऐसा लग रहा है मानो तार पर सुखाने के लिए कपड़े रखे गए हों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं यहां पर चली है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलती देखी गई हैं। अंजार आरटीओ दफ्तर के पास की घटना है जिसकी तस्वीरें सामने आई है। मुंद्रा में कार पर छत का हिस्सा गिरा जिससे कार को भी नुकसान हुआ है, ये देखिए कार वाली तस्वीर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बनासकांठा तूफान के बीच में देश की सुरक्षा कर रहे हैं हमारे जवान, और बॉर्डर पर तेज बारिश की वजह से रेगिस्तान में पानी भर गया है, वहीं समंदर बन गया है रेगिस्तान का इलाका, तस्वीरें देखिए। लेकिन इसके बावजूद हमारे बहादुर सचेत जो जवान हैं वो लगातार सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में भी वे जाने जाते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश का मौसम हो। आप ये देखिए तेज हवाओं के बीच बारिश में जवानों के बॉर्डर पर पहरा देने की तस्वीरें, सलाम करने को जी चाहता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो नड़ाबेद का रण है, लेकिन अभी बारिश की वजह से पूरा रण है वो समुद्र दिखाई दे रहा है। आप जहां नजर करोगे रण में वहां पानी पानी दिख रहा है, जहां तक अपनी नजर जाती है वहां तक जो रण की जगह आपको पानी नजर आ रहा है, तेज तूफानी हवाएं चल रही है। आपको दिखाऊंगा ये जो इंडो पाक बॉर्डर का जीरो पॉइंट है, एक तरफ हिंदुस्तान है तो दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में ज्यादातर पानी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हिंदुस्तान का जो रण था नड़ाबेट का वहां पे पानी पानी एक्सक्लूसिव आपको फुटेज अभी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 नेटवर्क पे देख पा रहे हैं। किशोर तुवर, न्यूज 18 बनासकांठा। तो चलिए